उसमें अंबानी कौन है, सिर्फ हम टीवी पर देख रहे हैं। उनकी ताकत कहां से आती है और उनके हाथ कहां तक पहुंचे हैं, हमारे गांव का कोतवाल से लेकर प्रधानमंत्री तक सारे उनके सामने घुटने टेकने को तैयार है। ऐसे बड़े एम्पायर्स के खिलाफ जब खड़ा रहना था तब सर्वहारा जन आंदोलन अकेले भी नहीं कर सकते, बहुत सारे संगठन उसमें साथ में आए, रायगढ़ के ही नहीं महाराष्ट्र के, उसमें एनएपीएम है, जागतिकीकरण निर्भीक त्रुटि समिति है, ये सारे संगठन वहां पर आए और जिस तरह से वो लड़ाई रिलायंस के खिलाफ लड़ी गई, जिस रिलायंस का और अंबानी का नारा है कर लो दुनिया मुट्ठी में, और वो हमेशा एक एडवर्टाइज दिखाया करते थे धीरूभाई अंबानी जाने के बाद, मेरे पापा का सपना, हम सबने उसको जोड़ दिया पब्लिक का माल अपना, क्योंकि जो भी पब्लिक का है वो अपना मानते, और सिर्फ और रिलायंस ही नहीं, आज ये कल्चर बन गया है कि मुट्ठी में सब कुछ लेना, और यहाँ जैसे मौजूद ही नहीं है आम जनता, किसान, खेत मजदूर, जो ग्रामीण कार्यकारीगण है उनका तो कोई वो ये लोग कोई मायना नहीं रखते होंगे। तो जिस तरह से डिजाइन बन रहा है देश के विकास के नाम पर, स्पेशल इकोनॉमिक जोन को तो हमने बहुत ताकत के साथ चुनौती दी, महाराष्ट्र में एक भी बड़ा एसईजेड नहीं बन पाया जहां पे बड़ा लैंड एक्विजिशन होने जा रहा, जो पहले से ही जमीन जिन उनके कब्जे में थी या जिनका ऑलरेडी कोई इंडस्ट्रियल स्टेटस था और उन्होंने एसईजेड का स्टेटस मांगा बाद में, सिर्फ वही एसईजेड आज मौजूद है, बड़े एसईजेड कोई बन नहीं पाए, क्योंकि जिस तरह से पूरा महाराष्ट्र में जागतिकीकरण विरोधी त्रुटि समिति के बैनर तले एक लंबी लड़ाई चली उसमें हम कामयाब हो पाए। और ये रिलायंस का एसईजेड जिस तरह से गया, मैं सिर्फ एक किस्सा आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि दिल्ली में बैठे हैं हम, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की एक पार्लियामेंट्री कमिटी एसईजेड का जायजा लेने के लिए देश भर घूम रही थी, महाराष्ट्र में आने वाली थी, छोटी सी खबर अखबार में छपी, हमने छानबीन करने की कोशिश की कमेटी कहाँ आई, हमारे कलेक्टर को पूछा, कलेक्टर ने कहा हमें नहीं पता, हमें तो विश्वास था कि रायगढ़ का एसईजेड अगर सबसे बड़ा एसईजेड है तो यहाँ पे तो कमेटी को आना है, लेकिन कलेक्टर कह रहा था कि हमको पता नहीं आना। हमने नेट से कुछ लोगों के नंबर्स खोज लिए, उनका सीधा कॉन्टैक्ट किया, उन्होंने कहा हम मुंबई के एमआईडीसी के ऑफिस में पहले आएंगे और वहां से हमें कार्यक्रम मिलेगा। हम कुछ लोग 10-15 लोग एमआईडीसी में पहुंच गए, वहां जाते ही हमको पता चला कि बहुत बड़े पैमाने पर पुलिस वहां पे मौजूद थी, अंदर जाने को मना था, हमने कहा कि हम आए हैं कमेटी के सामने अपनी बात करने, पुलिस ने पूछा कहां से आए, रायगढ़ से, रायगढ़ से तो बहुत सारे लोग पहले ही आए, हमको तो अचूक लगा कि हमको तो कल पता चला है, आज हम 15-20 लोग यहाँ पहुंच गए, ये लोग हैं कौन जो हमारे पहले आ गए। अंदर जाते ही देखते हैं तो 3 बसेस भर के लोगों को लाया गया था, धोती पहना के टोपी पहना के, किसान बनाकर उनको लाया गया था जो सारे रिलायंस के एजेंट्स हैं, और ये 3 बस भर के एजेंट्स वहां पे आए थे और उनका डेलीगेशन का नेतृत्व कर रहे थे दस्तूर खुद कलेक्टर रायगढ़ के, सामने बैठ के कलेक्टर बात हैं। तो वहां पे बहुत हल्ला गुल्ला हुआ, हमने शोर मचाया, कमेटी के अध्यक्ष ने कहा कि आप इतनी दूर क्यों आए, हम तो करा रहे रायगढ़, मैंने कहा हम तो पूछ रहे थे हमारे कलेक्टर को क्यों कब आ रहे हैं, कमेटी कब आ रही, उन्होंने कहने से मना कर दिया, तो बोले नहीं कल हम रायगढ़ गए, सर कौन सी जगह, तो उन्होंने कहा खालापुर, ठीक है, रातों रात गाँव में मैसेजेस गए, खालापुर में हजारों लोग दूसरे दिन 10 बजे मौजूद है, 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, तहसील ऑफिस है, सिर्फ एक प्यून था वहां पे, डेकोरेशन सारा किया हुआ था, अगरबत्तियां जलाई थी, म्यूजिक चल रहा था, लेकिन एक प्यून से ऑफिस में पूरा सुनसान था। हम पूछते रहे कि कहां है कमिटी आने वाली है, इतना शांत कैसे हो सकता है, फिर हमें शक होने लगा कि कुछ गड़बड़ है, बाद में पता चला कि कुछ उसका उसकी जगह ही बदल दी गई थी और अन्य किसी जगह पर कमेटी को ले, फिर हमारे पास अध्यक्ष महोदय का नंबर ही था उस कमेटी के, उनको हमने फोन लगाया, कहा कि कल आपने बताया हम यहाँ पे आए हैं, कहाँ हुआ, उन्होंने कहा हम खालापुर में, हमने कहा सर आप खालापुर में नहीं, हम खालापुर में, आपको कहीं और ले गए खालापुर कहते हुए, और पार्लियामेंट्री पूरी कमेटी को वहां पे ले गए, हमने फिर इशारा दिया कि आधे घंटे में अगर कमेटी यहाँ पे नहीं आती तो हम एक्सप्रेस वे के पास है मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे, हम शाम अध्यक्ष ने कहा नहीं बिल्कुल ऐसा मत करिए हम आ रहे हैं।
और आधे घंटे में कमेटी की सारी 50-60 गाड़ियां फिर वहां पे आई, उनके सामने सुनवाई हुई, ये सारा किस्सा उस कमेटी के मौजूद। कमेटी जाने के बाद कलेक्टर को हमने घेरा और कहा कि क्यों आप झूठ बोले। कलेक्टर बहुत डरा हुआ था सबके सामने हाथ, और वो जो पूरा इलाका है, आप में से अगर कोई आए हो रायगढ़ में तो देख कि वो पूरी कम्युनिटी वहां की, जो अगली कम्युनिटी है, बहुत मिलिटेंट है, बहुत लड़ाकू कम्युनिटी, और अपनी जमीन के साथ जो रिश्ता है, जो जिस तरह की ईमानदारी है, बहुत ही बुलंद और बहुत मजबूत रिश्ता जमीन के साथ होगा। अब किसानों ने जब घेर लिया, कलेक्टर डर गए और उन्होंने कहा मैं भी किसान का बेटा हूं, मैं भी आपकी आपका ही विकास चाहता हूं, लेकिन मंत्रालय से मुझे ऑर्डर्स थी कि आप ये देखें कि रायगढ़ का कोई किसान पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने ना जाए। तो ये स्थिति है, हालात है। हम कमेटी के रिपोर्ट्स पढ़ेंगे, ऊपर ऊपर अखबारों में पढ़ेंगे, लेकिन नीचे क्या होता है इसकी सही खबर, उसकी वास्तविकता नहीं पहुंच पाए। लेकिन इस कलेक्टर को हमने कहा कि अगर आप किसान के बेटे हो तो एक चीज करिए। मैंने कहा क्या करना है? कहा ये पूरा इलाका, वहां का जो डैम है हेटौने डैम, उसकी कमांड एरिया में आता है, आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि सारे खसरे डैम रिकॉर्ड पर आप ये डाल दो रिमार्क कि ये कमांड एरिया में, बस वो काफी है, हम बाकी लड़ाई लड़ लेंगे। उस कलेक्टर ने वो मान लिया और 7-12 कर लिया, खसरे पर वो रिकॉर्ड बना लिया कि ये सारा कमांड एरिया में है, और उसी महीने में उनका ट्रांसफर हो गया। तो कितने सारे कलेक्टर इस लड़ाइयों के दौरान हमने देखे जिन्होंने कुछ करने की अगर कोशिश की किसानों के पक्ष में, उनकी ट्रांसफर की। गांव के कोतवाल और पुलिस पाटिल को, जो सरकारी नौकर है, उसको 3000 रुपया तनख्वाह सरकार से मिलती थी, 8000 रुपया तनख्वाह रिलायंस से। गांव में मीटिंग करना मुश्किल है, बोलना मुश्किल है, लगातार वहां पे 37 मंत्री लागू है ताकि आप पब्लिक मीटिंग नहीं कर सकते। तो इस माहौल में ये लड़ाई चली और इसका आखिरी पड़ाव था बहुत सारे आंदोलनों के बाद, जब चीफ मिनिस्टर ने हमको कहा, अनशन शुरू था, इंडेफिनेट अनशन, और चीफ मिनिस्टर विलासराव देशमुख ने कहा कि हम 15 दिन में इसको खारिज करने का डिसीजन ले लेंगे, मगर हम जनता की राय लेंगे, जनमत लेंगे। जनमत क्या होता है? ये आंदोलन करने वाली जनता है कौन? जो कर रहे वही तो जनता है, अपना मत बताइए। फिर कहा नहीं, हम बाकायदा एक चलाएंगे प्रोसेस और जनमत रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, ये भी चुनौती के रूप में ले लेते। उस जनमत की जिस तरह से तैयारी की गई, हर घर घर में जाकर किसानों के साथ बात हुई, और जिस दिन ये जनमत की प्रक्रिया चलने वाली थी, फॉर्चुनेटली तब जो कलेक्टर आया था वो एकदम बहुत ही, यानी जिसकी स्पष्ट भूमिका थी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन से बंधा हुआ ऑफिशियल, उसको इधर उधर पॉलिटिक्स और रिलायंस उसके प्रभाव में आने वाला वो बंदा नहीं था, और उसी के कारण ये ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया हो पाई। और ये जनमत में रिलायंस ने घोषित कर दिया था कि हर वोट के लिए 10,000 प्रो रिलायंस वोट के लिए 10,000 मिले, उसके बावजूद ये प्रक्रिया चली और 96% फार्मर्स वोटेड अगेंस्ट रिलायंस सेइंग हमने हमेशा कहते थे कि उनकी दुनिया मुट्ठी में, चाहे उनकी मुट्ठी में भले कितना भी पैसा हो, लेकिन रायगढ़ के किसानों की अपनी जमीन के प्रति जो ईमानदारी है, वो कितना भी पैसा फेंक कर नहीं कर पाए। और ये एक मैसेज है, एक ये संदेश है पूरी देश के लिए कि अगर किसान अपनी ताकत पर मजबूती से लड़ते हैं तो जीत पाएंगे और रिलायंस को भी हरा देंगे।